भागलपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इसके मामले मिलने लगे हैं। भागलपुर सदर अस्पताल में इस बीमारी की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे समय पर डेंगू मरीजों को सही इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण इलाज कराने आए लोगों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डेंगू के 17 मरीज भर्ती हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में भर्ती डेंगू के 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं सदर अस्पताल में रोजाना इलाज के लिए पहुंचने वाले डेंगू मरीजों में अधिकांश बच्चे और वृद्ध शामिल हैं, जिनमें डेंगू के कई लक्षण भी दिख रहे हैं। अस्पताल पहुँचने वाले मरीजों में बुखार, सिरदर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत देखी जा रही है। इधर इसको लेकर डॉक्टरों ने कहा कि डेंगू एक गंभीर बीमारी है और इसका लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर उचित परामर्श और इलाज जरूरी है, जिससे समय रहते सही इलाज हो सके। चिकित्सकों ने कहा कि सही समय पर डेंगू का इलाज कराने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है, जबकि इसके अलावा सभी लोगों को डेंगू से बचाव के लिए सोते वक्त मच्छरदानी का उपयोग करने, डेंगू मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए अपने घर या आसपास साफ सफाई रखने और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। साथ ही कहा कि डेंगू मच्छर साफ जमे हुए और स्थिर पानी में पलता है, जिससे सावधानी बरतने की जरूरत है। एक ओर जहां गंगा और कोसी का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर के 3 गंगा घाटों पर तेज धार की चपेट में आकर कई लोगों की जान भी चली गई। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर गड्ढे में पानी भरा रहने से भी कई घटना सामने आई है। दरअसल भागलपुर के नवगछिया में 3 अलग अलग गंगा घाट में 4 किशोर की डूबने से मौत हो गई। सोमवारी पर जलाभिषेक करने ब्रजलेश्वर धाम पहुँचे 2 किशोर की गंगा जल भरने के दौरान गंगा में डूबने से मौत हो गई। इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक किशोर को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी। जबकि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों किशोर का शव नदी से बाहर निकाला। वहीं मृतक किशोर की पहचान अलियाबाद निवासी बिंदेश्वरी सिंह के पुत्र शैलेंद्र कुमार और झंडापुर निवासी डब्लू यादव के पुत्र प्रशांत कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक शैलेंद्र कुमार इंटर का छात्र था, जबकि मृतक प्रशांत कुमार दयालपुर उच्च विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र था। वहीं इस घटना से मृतक छात्र के परिवार वालों और गांव में मातम छा गया है, जबकि परिजनों ने बताया कि प्रशांत 2 भाइयों में छोटा था। इधर गंगा में 2 छात्रों के डूबने की खबर सुनते ही जयरामपुर के सीओ बलिराम प्रसाद, थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह और दरोगा मुकेश सिंह समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट गई। इसके बाद दोनों छात्रों का शव स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने भी शैलेंद्र और प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे और सोमवारी को लेकर भारी तादाद में श्रद्धालु गंगा स्नान और गंगा जल भरने पहुंचे थे। साथ ही स्थानीय प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि गंगा घाट के किनारे JCB से मिट्टी की कटाई की गई थी, जिससे गंगा स्नान करने पहुंचे लोगों को गहराई का सही अंदाजा नहीं लग सका और कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जबकि 2 किशोर की जान चली गई। ये घटना 2:30 बजे रात में 5-7 को बच्चा गया नहाने के लिए, तो नहाने के क्रम में वो लोग कोई नहीं बताया। सुबह 11 बजे सिकंदर का बेटा जो है वो बताया गया कि इसी का लड़का वहाँ डूब गया है। तो हम लोग उनको लेकर के फिर चले जहाज घाट गंगा से, वहाँ जाके देखें तो खोजबीन किए तो हम लोग को बड़ी उपलब्ध हो गई। मृतक का क्या नाम है? मृतक का प्रिंस कुमार है। उम्र कितना होगा? 13 के आसपास होगा। उनके पिताजी का नाम? पंकज सिंह है। उनके माता जी का नाम? माता जी का नाम तुमको पूछना होगा सर। घर कहाँ होगा? घर तो सतियारा होगा। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में केंद्र और बिहार सरकार से 19 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व मुखिया संघ के अध्यक्ष रामानंद सिंह ने किया। इस दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष रामानंद सिंह की अगुवाई में नया गाँव खेरैया, इंग्लिश टीचरौन, गनगनिया, भीरखुर, कमरगंज और करहरिया पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को 19 सूत्री
मेरी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ के रामानंद सिंह ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती की जा रही है, जिससे ग्राम पंचायतों में विकास का कार्य अवरुद्ध हो रहा है और जब तक सरकार उनकी 19 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मुखिया संघ की ओर से दिए गए मांग पत्र में ग्राम सभा की रक्षा सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री सोलर लाइट लगाने, पंचायत सरकार भवन निर्माण करने, मुख्यमंत्री जल नल योजना, मुखिया के वेतन भत्ता में बढ़ोतरी करने, सुरक्षा के लिए मुखिया को आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में अधिकार देने के अलावा कई मांग शामिल है। धरना प्रदर्शन में मिरहट्टी मुखिया अशोक यादव, वार्ड सदस्य विधान यादव, दिवाकर दास, बबलू कुमार सिंह और चंदन कुमार समेत कई मुखिया एवं वार्ड सदस्य मौजूद थे। पंचायती राज को नगण्य करके चल रही है, ग्राम सभा के किसी महत्व को रहने ही नहीं दिया गया है। एक समय था कि ग्राम पंचायत से पारित योजना द्वारा ही इंदिरा आवास, राशन कार्ड या अन्य काम होता था, लेकिन सरकार आज हम लोग को इस तरह से बांध दिया है कि ना हम अपने मन से किसी को राशन कार्ड दे सकते हैं, ना इंदिरा आवास दे सकते हैं, ना अन्य कोई रोड गली नाली बना सकते हैं। पूरे बिहार में मुखिया महासंघ के आह्वान पर सभी प्रखंड मुख्यालयों में मुखिया संघ का धरना का कार्यक्रम आज है। ग्राम पंचायत के अधिकारों में लगातार कटौती जो की जा रही है सरकार के द्वारा, उसी के विरुद्ध आज समूचे बिहार में मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य धरना पर बैठे चाहते हैं। जल्द से जल्द ही पैसा हमारे लोग को पंचायत में भेजवाया जाए, जो कि काम बहुत सारा है कि पड़ा हुआ है करने के लिए, ये हम कहना चाहते हैं। पैसा जल्द से जल्द भेजे पंचायत में, जो कि हम काम जो बचा है बहुत सारा है, काम पड़ा है, मैं कर सकूँ। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप आउटर सिग्नल के पास मानसिक रूप से कमजोर एक युवक पटरी पर सो गया, जिससे कुछ देर के लिए ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया। इसके कारण सुल्तानगंज की ओर से आ रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जबकि ट्रेन चालक द्वारा युवक को पटरी से हटाने का प्रयास करने पर युवक ने चालक पर पत्थर से हमला कर दिया। वहीं आरपीएफ जवान ने काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को पटरी से हटाया। युवक की पहचान गोसाईदासपुर निवासी विलास रजक के पुत्र दिनेश कुमार रजक के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और उसका पिछले कई महीनों से इलाज भी जारी है। इधर आरपीएफ और जेआरपी द्वारा विक्षिप्त युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने आम लोगों से मानसिक रूप से कमजोर लोगों के प्रति संवेदनशील रहने के साथ सावधानी बरतने की अपील की है। मेरा नाम सिंधु कुमारी है, मैं भागलपुर की बड़ी पोस्ट ऑफिस की रहने वाली हूँ। मैं चीनी से 3 साल से बहुत परेशान थी, तो कभी अंग्रेजी दवाई खाते थे, कभी छोड़ते थे, लेकिन घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ ही रहा था। तो हमको यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर ए के राय का पता चला, तो उन्हीं के कंसर्निंग में हम आए और दवाई 1 सप्ताह खाने के बाद हमारा शुगर लेवल जो है डाउन होना स्टार्ट हो गया। 1 में हमको शुगर हुआ था, अब मैं शिक्षिका थी, और 1 में जैसे ही 2021 में रिटायर किए हम, वैसे मई में हमको कोरोना चीनी स्टार्ट हो गया। और तब से आम का सीजन जब आता था तो तरस जाते थे आम खाने के लिए, कभी आम खाए भी नहीं। इस बार जब इनका दवाई हम खाए तो आम भी अच्छा से भरपूर खा रहे हैं, और उसके बाद शुगर लेवल तो जितना बार भी कराए सब दिन हमारा डाउन 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 हो। मेरा रोटी चावल आम जो भी मतलब खाने का रहता सारा चीज खा के उसके बाद हम जांच कराए, तो क्या कहता है, मेरा 2 घंटा बाद जांच कराए, मेरा रिपोर्ट 143 आया। और दवाई टोटल बंद है, 15-20 रोज से दवाई हम नहीं खा रही हूँ। वैसे मतलब खाना पीना जैसे रूटीन चलता है चला है, उसके बाद जांच कराए तो 143 मेरा आया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर,
ग्रामीण बैंक के नीचे हटिया रोड तिलका मांझी भागलपुर बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर पीरपैंती प्रखंड परिसर में मुखिया संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रमेश टुड्डू ने किया, जबकि मंच संचालन मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह ने किया। इस दौरान मुखियाओं ने अपने 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपा। मुखियाओं ने कहा कि सरकार लगातार ग्राम पंचायतों के अधिकार को कम कर रही है, इससे ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। मुखियाओं ने सरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायतों को उसके अधिकार वापस दिए जाएं। मुखियाओं ने कहा कि ग्राम पंचायत ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम करती है, अगर ग्राम पंचायतों के अधिकार को कम किया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा। मुखियाओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे आंदोलन तेज करेंगे। धरना में प्रदेश मुखिया संघ उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार उर्फ झुंपा सिंह, लालमणि शाह, रविशंकर सिन्हा, सोनू किस्कू सहित प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया शामिल थे। शुरुआत आज नहीं हुआ, हम लोग 16 तारीख से लगातार हड़ताल जारी है, 31 तक चलेगा। आज हम लोग का शांतिपूर्वक धरना था जो प्रखंड स्तरीय में प्रखंड अध्यक्ष इन लोगों के अध्यक्षता में हम लोगों ने आज संपन्न किया। हड़ताल हम लोग का जारी रहेगा और जिला मुख्यालय में 29 तारीख इसी 29 तारीख को हम लोग फिर एक दिवसीय शांतिपूर्वक धरना जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हमने किया। हम लोगों का 29 सूत्री मांग रखा गया था, जिसमें 19 मांगों का पर हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं। सरकार बार बार हम लोगों का, जैसे आपका सोलर स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका तक कबीर अंतोष्टि और कन्या विवाह जो है, इस सब पर सब, और जल नल, आज जल नल की योजना स्थिति है कि मुखिया जी लोग जब कराते हैं और अच्छे तरह से चल भी रहा था, आज PSD को देने के बाद अब जनता किनको कहने जाएंगे कि हमारा पानी नहीं चल रहा है, तो सब तो मुखिया जी झेल रहे थे। इस तरह के भिन्न भिन्न के मांग है हम लोगों का, और उस मांग पर अगर काम नहीं होगा तो पहला दिन आज चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कर रहे हैं प्रखंड वाइज पूरे बिहार में, फिर जिला में 29 तारीख को पूरे प्रदेश में कब तक ये रहेगा पूरे जिला में, इस तरह चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे जब तक हम लोग का वापस मांग नहीं पूरा। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन नाथनगर प्रखंड के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर दियारा इलाकों में गंगा का पानी भरा हुआ है, जिससे रसीदपुर दियारा पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है। किसानों के खेतों में पानी भरा होने से उनके खेतों में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुँच गई है, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि रसीदपुर दियारा इलाका पूरी तरह से जलमग्न होने से घरों में पानी भर गया है और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, जबकि खेतों में लगी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान के बीच हताश
और निराशा का माहौल है। साथ ही इसको लेकर पीड़ित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि भागलपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और नाथनगर प्रखंड के निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जबकि किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। की स्थिति है कि हम लोगों का तो फसल बर्बाद हो गया है, मवेशी का चारा बर्बाद हो गया है, रोजी रोजगार सारा बर्बाद हो गया है। किसान जो कर्ज लेकर के सब्जी का खेती किए थे, समय से पूर्व भी वो गंगा में विलीन हो चुका। अब लोगों को आजीविका का लानत हो गया है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे और आगे की खेती कैसे करेंगे। अभी तक जो कर्ज लिए हैं वो किसान अपने महाजन को दे नहीं पाए हैं और खेत अब बंजर सा दिख रहा है। तो क्या लगता है? जी नहीं, बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है और हम लोगों को डर है 15 सितंबर तक बाढ़ का खतरा बना रहेगा। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराधियों को ना तो प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही विधि व्यवस्था की कोई चिंता। हाल यह है कि कभी भूमाफिया को तो कभी शिक्षक और पत्रकार को बदमाश द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला भागलपुर के हिसाबचक थाना क्षेत्र अंतर्गत ईश्वर नगर कॉलोनी का है, जहाँ 50 की संख्या में पहुँचे बदमाशों ने घर में घुसकर ईंट पत्थर और हथियार के बल पर घर वालों को बाहर निकाल दिया, जबकि इसके बाद घर के सामान को भी छत बिछत कर दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इसके कारण इलाके में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भागने के दौरान चोटिल भी हो गए। दरअसल मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से जमीन को लेकर मामला चल रहा था और आज जब अमीन जमीन की नापी करके गए तो इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके घर पर आकर उन लोगों के साथ मारपीट करते हुए छीन छोर भी की गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर में जो भी नगद और जेवरात रखे हुए थे उसे भी असामाजिक तत्वों ने लूट लिया और फरार हो गए। साथ ही साक्ष्य थाने पर भी आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने कहा कि पुलिस को सारी घटना की जानकारी थी, फिर भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि पुलिस के वरीय अधिकारी इस मामले में आरोपियों और पुलिस पर क्या संज्ञान लेते हैं। नाम बोलो बिक्कू दुबे। तो पहले आया 10-15 तो ऐसे घूर को चला गया, फिर आया पुलिस का साथ, फिर को सरा पुलिस का साथ आया। नहीं तो हम दीदी को बोले और बक्षलवा भैया को कि समूह नहीं दीदी, समूह नहीं दीदी। वो सब कन्फर कुछ नहीं किया, वो सब गया भोला नाथ का पुल नहीं टपा। हमारा घर का बेटी का और बेग का कि कैसे मोम का टीका था, नाथ था, बेटी का दुआ कौन का था, पुताओ का था, हाथ का पौची था, गोड़ का पायल था, इसलिए 20,000 तीन गो गैस था, वो 5,00,000 15 से मांग रहा है। ऐसे बिक्कू दुबे आकाश घोष, हाँ, मोंटी कुमार, सौरभ कुमार, बिट्टू यादव, सुभाष यादव का बेटा, इस सब ने मिल करके 5,00,000 रंगदारी आज 1-1.5 महीना पहले से मांग रहा है। जमीन पे रहने की, इस जमीन पर 5,00,000 रंगदारी दो, नहीं रंगदारी दोगे तो तुम खाली करो। जो जमीन इसके नाम पर 1-1.5 महीना पहले आया, हम इसाकचक थाना को फोन किए, प्रभारी को, इसाकचक थाना आया, इधर उधर भाग गया, बोला कल थाना पे आ, वो लोग थाना पे नहीं गया, हम लोग थाना पे गए, हम और मेरा पिताजी, वो लोग नहीं पहुंचा। नहीं है क्या जमीन का अमीन आया, सब चीज़ किया, सब चीज़ सही निकला, सब चीज़ सही हो गया वो, हाँ हम सबका सबूत भी है और उसको कागज़ सब जमा कर दिए, सब चीज़ दे दिए। उसके बाद वो 50 लड़का लेके आया जिसका जमीन था, वो लेके आया, बोला 5,00,000 हम थाना में दिए हुए हैं, हम बमबाजी सब चीज करेंगे, फायरिंग भी किया हुआ है, 5,00,000 तक अधभर चलाया, जेवर जेवरात सब लूटा। हाँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर सका इसाकचक थाना वाला।